बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे की चटनी, जो शादियों में अक्सर बनती है। इसके लिए तकरीबन ये एक कप आलू बुखारा, एक कप चीनी है, एक चम्मच सिरका, हाफ टी स्पून जो है नमक और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पिसी हुई है। बादाम है, कुछ अपनी मर्जी, आप डालना चाहें तो डाल लें वरना ना डालें। और ये चार मांगू, 3 कप पानी जाएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 3 कप पानी जाएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो ये आलू बुखारे धो के रखे हुए थे ये इसमें डालना। अब ये नरम होने तक तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाएंगे, फिर इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको 10 मिनट हो गया पकते हुए, इस शक्ल में आ जाएगा। अब इसमें चीनी डाल दें 1 कप, साथ में नमक और लाल मिर्च। ये 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए, ये थोड़ा थिकनेस की तरफ जा रहा है। अब इसमें ये सिरका डाल देंगे, ये 4 चम्मच ये भी डाल देंगे और बादाम भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको 10-15 मिनट और हो गए हम पकते हुए, ठीक हो गई थोड़ी। अब इसमें आप फूड कलर डालना चाहें तो डाल लें, वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को रेड कलर पसंद है तो वो डाल लें। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चटनी तैयार हो गई है, ज़रूर ट्राई करें और पेज को लाइक कर दें और दुआओं में याद रखें।